7 अगस्त 1947 पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना राजस्थान के एक इम्पॉर्टेंट रियासत के राजा को पाकिस्तान में मिलाने के लिए ऑफर दे रहे थे। जिन्ना ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट का ऑफर दिया, अकाल में मर रहे लोगों को अनाज देने का ऑफर दिया, लेकिन राजा तैयार नहीं हुए। फिर जिन्ना ने एक सादा कागज निकाल कर उनके सामने रख दिया और कहा कि जो भी शर्तें आप चाहते हैं पाकिस्तान में मिलने के लिए वो इन पर लिख दीजिए। ये एक तरह का ब्लैंक चेक था जो जिन्ना ने राजा को दिया था। ये राजा कोई और नहीं बल्कि जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह थे, जो पाकिस्तान में मिलने का मन बना चुके थे। इस मौके का फायदा उठाकर जिन्ना अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये रियासत पाकिस्तान में मिल जाए, लेकिन फिर सरदार पटेल ने जिन्ना के हाथ से जोधपुर को छीन लिया। उन्होंने ये कैसे किया और कैसे हनवंत सिंह को भारत में मिलने के लिए मनाया, आज यही कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। 1947 में जब देश आज़ाद होने वाला था, तब 500 से भी ज़्यादा रियासतें थीं जिन्हें भारत में मिलाने का काम कर रहे थे सरदार पटेल और माउंटबेटन के सचिव रहे वीपी मेनन। उस वक्त राजस्थान में कुल 22 रियासतें थीं और इसमें से सिर्फ अजमेर पर ही अंग्रेज़ों का कब्जा था, बाकी रियासतें स्वतंत्र थीं। इन्हीं रियासतों में से एक रियासत थी जोधपुर। पटेल चाहते थे कि जोधपुर भारत में मिले, तो वहीं जिन्ना भी हर हाल में जोधपुर को अपने साथ मिलाना चाहते थे। इसके पीछे की उनकी एक वजह थी। दरअसल भोपाल के नवाब ने जिन्ना को वादा किया था कि वो आज़ादी के बाद पाकिस्तान के साथ विलय करेंगे। इस तरह अगर भोपाल के साथ साथ जोधपुर भी उन्हें मिल जाता तो आज जो भारत हम देखते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में होता। इसी सिचुएशन को सरदार पटेल ने एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि कराची, जोधपुर और भोपाल को मिलाकर जिन्ना भारत के दिल में खंजर उतार देना चाहते हैं। इस तरह सरदार पटेल हर हाल में चाहते थे कि जोधपुर रियासत कम से कम भारत में ही रहे। वैसे पटेल जोधपुर को लेकर बिल्कुल निश्चिंत भी थे, क्योंकि जोधपुर के महाराज से उनके काफ़ी अच्छे संबंध थे, वो अच्छे दोस्त थे और वो भारत में विलय को मान भी गए थे। लेकिन जैसे किसी सस्पेंस मूवी में ट्विस्ट आता है, वैसे ही यहां पर भी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। हुआ यह कि अप्रैल 1947 में जोधपुर विलय की बात को मानते हुए जोधपुर संविधान सभा में शामिल हो गया, लेकिन इसके 2 महीने बाद ही जोधपुर के महाराज की मौत हो गई। उनके बाद महाराज बने हनवंत सिंह। हनवंत सिंह शौकीन राजा थे। उनके शौक थे जहाज उड़ाना और जादूगरी के तमाशे देखना। 24 साल की उम्र में महाराजा बनते ही उनके सामने कई प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो गई। पहला तो ये था कि जोधपुर में अकाल पड़ा हुआ था। दूसरा, राजा खुद अपनी कई प्रॉब्लम्स में उलझे हुए थे। उन्होंने एक स्कॉटिश लड़की से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उनका राजसी परिवार उनसे नाराज चल रहा था। ये सब चल ही रहा था कि विभाजन की खबरों के बीच पाकिस्तान से कई लोग जोधपुर में आकर बसने लगे थे, क्योंकि ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पड़ता था। अब इन लोगों के लिए भी रहने और खाने का इंतजाम करना था। इन सारी समस्याओं से जूझते नए नवेले महाराज को अपनी ओर मिलाने का ये अच्छा मौका था जिन्ना के पास, और जिन्ना किसी भी हाल में चूकना नहीं चाहते थे। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला जिन्ना के अच्छे दोस्त थे। ऐसे में उन्होंने हनवंत सिंह और जिन्ना की एक मीटिंग फिक्स कराई। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट के हिसाब से हनवंत सिंह ने दिल्ली में मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की थी। हमीदुल्ला हनवंत को लेकर दिल्ली में जिन्ना के घर गए थे। यहाँ पर हनवंत ने जिन्ना से पूछा कि जो राज्य पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं उन्हें आप बदले में क्या देंगे। जिन्ना को इसी सवाल का इंतजार था। उन्होंने तुरंत कहा कि हम हर राज्य को इंडिपेंडेंट बनाएंगे। आगे उन्होंने जोधपुर के लिए कुछ स्पेशल ऑफर देते हुए कहा कि जोधपुर को कराची पोर्ट इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी और वहां से वो हथियार भी खरीद सकेंगे। लेकिन हनवंत को जिन्ना का ये ऑफर कुछ खास लगा नहीं। अब जिन्ना को तो जोधपुर हर हाल में पाना था, इसलिए उन्होंने अपनी जेब से कोरा कागज़ निकाल कर उनकी ओर बढ़ाया और कहा कि आपकी जो भी शर्तें हैं वो इस पर लिख दीजिए, हम तुरंत साइन कर देंगे। लेकिन हनवंत ने इस बात को टाल दिया और दोबारा मुलाकात की बात कही। इस मीटिंग में जिन्ना को कुछ भी हाथ नहीं लगा। इधर पटेल, जो कि निश्चिंत थे कि जोधपुर भारत में ही मिलेगा, उन्हें भी इस मीटिंग की भनक लग गई। वो तुरंत सतर्क हो गए और हनवंत सिंह को मुलाकात के लिए बुलाया। पटेल को डर था कि जोधपुर अगर पाकिस्तान में गया तो जैसलमेर और बाड़मेर जैसी रियासतों के साथ भी कल को ऐसी ही दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। 10 अगस्त के दिन पटेल ने हनवंत सिंह से मुलाकात की। पटेल से बात करते हुए हनवंत सिंह ने जिन्ना के ऑफर के बारे में भी बताया। पटेल ने पूछा कि आपने फैसला किया है कि आप स्वतंत्र रहेंगे। इस पर हनवंत सिंह ने नजरें झुकाकर जवाब दिया कि आपने सही सुना है।
महाराज उमेद सिंह से अपने अच्छे रिश्तों का हवाला देते हुए हनवंत सिंह को पटेल ने समझाया कि स्वतंत्र रहने का फैसला करने का हक आपको है, लेकिन याद रखिए कि अगर जनता ने विद्रोह किया तो हमसे मदद की उम्मीद मत रखिएगा। इसके बाद पटेल ने जिन्ना के ऑफर का एक काउंटर ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि जिन्ना जो सुविधाएं दे रहे हैं वो भारत भी दे सकता है, कच्छ बंदरगाह से भी आप जुड़ सकते हैं। और रही बात अकाल की, तो जितना अनाज जोधपुर को चाहिए अकाल को दूर करने के लिए उतना अनाज भारत भी सप्लाई करेगा। पटेल ने उन्हें समझाया कि जोधपुर की बेहतरी भारत से विलय में है, ना कि पाकिस्तान से। हनवंत सिंह ने फिर उनकी बात को मान लिया और विलय पत्र पर दस्तखत करने की बात भी मान ली। वैसे आपको बताऊं तो पटेल कुछ गलत कह भी नहीं रहे थे। महाराजा हनवंत सिंह की मुलाकात की बात जनता के बीच में लीक हो गई थी और जोधपुर में रियासत के अधिकतर जमींदार और खुद जनता भी पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ हो गई थी। ये बात जब माउंटबेटन को पता चली तो उन्होंने भी हनवंत सिंह को खूब समझाया कि जोधपुर की भलाई इसी में है कि वो हिंदुस्तान के साथ मिले, क्योंकि यहाँ की मेजॉरिटी आबादी हिंदू है। इस तरह से धर्म के आधार पर बने देश में एक माइनॉरिटी बनकर शामिल होना ठीक नहीं होगा। इन सब का ही नतीजा निकला जब 11 अगस्त के दिन राजा ने भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसको लेकर भी एक अनोखा किस्सा है। वीपी मेनन अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स में बताते हैं कि जब वो हनवंत सिंह के पास पेपर पर साइन कराने गए तो साइन करने के बाद महाराजा ने अपनी कलम की कैप खोली और मेनन की ओर तान दी। तब मेनन को जाकर पता चला कि जिस पेन से साइन किए गए हैं वो सिर्फ एक पेन नहीं था बल्कि एक छोटी सी पिस्तौल भी थी। महाराजा ने मेनन से कहा, मैं आपका हुक्म मानने से इनकार करता हूँ। मेनन ये देखकर घबरा गए। हालांकि तभी कमरे में लॉर्ड माउंटबेटन की एंट्री हुई और उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। बाद में महाराजा ने ये कलम वाली पिस्तौल माउंटबेटन को तोहफे में भेंट दी और माउंटबेटन उसे अपने साथ लेकर चले गए। इस तरह भारत में जोधपुर का विलय हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी जोधपुर के भारत में विलय की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।